हमारे एक्स मेयर, एक्स डिप्टी मेयर आलिया शिरीन मैडम के सैक्रिफाइसेस और उनका विजन और उनकी सोच आप लोग के सामने लाना चाह रहा हूँ। सैयदा नूर फातिमा ने जद्दोजहद कानूनी लड़ाई लड़कर अदालत के सामने साबित किया है, वहाँ पर यहाँ पर उनकी उम्र ये है बोलकर साबित किया। उनकी 27 होनी चाहिए हकीकत में। 27 किसकी हो रही है? उंगली काट के लोग शहीदों में नाम कर रहे हैं आप, शर्म आना चाहिए आपको। थोड़े दिन पहले अलमदार जैदी के वालदा को गेजेट में नोटिफाई किया गया लोअर कोर्ट जजमेंट के बेसिस पे, और उस पे हमारी पार्टी और एक्स मेयर आलिया शिरीन मैडम ने हाई कोर्ट में अपील किए थे। प्रियंका को बीजेपी के उम्मीदवार को नल एंड वाइड डिक्लेयर करें और सैयदा नूर फातिमा को इलेक्टेड डिक्लेयर करें, जो कि पूरे तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी ये लोग सोच रहे थे कि अभी अरे 5 साल होता है, क्या इलेक्शन पिटीशन है, केस फाइल करते, कुछ होने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। मगर आलिया शिरीन मैडम की सोच कि सेक्युलर प्रिंसिपल्स को बचाया जाए, फैटर्निटी को बचाया जाए, मेयर इलेक्शन फ्री फेयर तरीके से हो, बल्कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो केस विड्रॉ करेंगे। वो अपील फाइल किया जाता है, बीजेपी फाइल कर रही अपील ठीक है, कि दूसरे जने दूसरे लोग जो फाइल कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। वो कांग्रेस के उम्मीदवार कितने आउट लिए? 596। और अलमदार जैदी को ही, वालदा को ही कॉरपोरेटर बनाने में उनका भरपूर ताहून रहेगा, ये सोच के कि वो एक सेक्युलर प्रिंसिपल्ड है और हमारी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। तो जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब जीत कर आता है, जब कोर्ट से अगर ऐसा फैसला आता है, तो इनकी इनका काम नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन या उनके लीडर का काम ये था कि हम ये जो फैसला आया है बिल्कुल सही फैसला है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं, बोलकर मैं कोई स्टे ऑर्डर नहीं देता, लेकिन मैं आपको फाइनल हियरिंग करूँगा, बोलकर फाइनल हियरिंग होने वाली थी। ये कांग्रेस की जानिब से फिर एक अप्लीकेशन डालते हैं, आईए डालते हैं, इसके जो वो जो सेकंड कैंडिडेट को डिक्लेयर दिया गया उसके ऊपर हमको स्टे होना है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। वार्ड नंबर 24 का कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद वहाँ से प्रियंका जो बीजेपी से उम्मीदवार थी, उनका उन्होंने इलेक्शन ज़्यादा वोट लेने की वजह से वो जीत गए थे, लेकिन उनकी कम उम्र की वजह से सैयदा नूर फातिमा जैदी ने एक इलेक्शन पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट में वहाँ पर फाइल किया। फाइल करने के बाद वहाँ पर फैसला हमारे हक़ में आया, यानी सैयदा नूर फातिमा जैदी के हक़ में आया, और प्रियंका का जो इलेक्शन था, रिजल्ट था, उसको सेटिसाइड किया गया और नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया, और साथ ही साथ सेकंड हाईएस्ट वोट लेने की वजह से सैयदा नूर फातिमा जैदी को जो है इलेक्टेड बोल के वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर होने के बाद वहाँ बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, प्रियंका ने वहाँ पर अपील फाइल किया, साथ ही साथ हिना उरूज जो और एक कैंडिडेट थे वो भी वहाँ पर अपील फाइल करी, साथ ही साथ जो है कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी अपील फाइल किया गया। यहाँ पर जो इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन के दौरान जो है वहाँ पर कांग्रेस की जानिब से वकालतनामा फाइल किया गया। वकालत फाइल करने के बाद एविडेंस था वहाँ पर, एविडेंस के टाइम पे उनका कोई पार्टिसिपेशन ट्रायल कोर्ट में नहीं रहा, ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किया गया, कोई आर्गूमेंट नहीं किया गया, लेकिन जजमेंट जो ही पास हो गया, जजमेंट ये डिक्लेयर हुआ है उनको प्रियंका को बीजेपी के उम्मीदवार को नल एंड वाइड डिक्लेयर करें और सैयदा नूर फातिमा को इलेक्टेड डिक्लेयर करें, जो कि पूरे तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक तारीखी जजमेंट गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से तारीखी जजमेंट आया था। कभी ये लोग सोच रहे थे कि भी अरे 5 साल होता है, क्या इलेक्शन पिटीशन है, केस फाइल करते, कुछ होने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। वो केस को चलने के लिए हम दिन रात मेहनत कर अल्हम्दुलिल्लाह वो केस वहाँ पर जजमेंट हम जीत कर जाते हैं। जीत कर जाने के बाद उसके ऊपर अपील फाइल किया जाता है। बीजेपी फाइल कर रही अपील ठीक है, कि दूसरे जने दूसरे लोग जो फाइल कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। वो लोग कांग्रेस की जानिब से अपील फाइल करते हैं, वहाँ पर अपील फाइल करते हैं, ठीक है अपील फाइल करने दो, लेकिन उनका कंटेंशन क्या होता है? हमारा अपील जो ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ सेकंड कैंडिडेट जो डिक्लेयर किया गया, यानी सैयदा नूर फातिमा को जो डिक्लेयर किया इलेक्टेड ऐसा डिक्लेयर किया गया, उसके ताल्लुक से हमको नाराज़गी है। वहाँ पर और एक बार इलेक्शन होना चाहिए। कितने वोट लिए इन्हों कांग्रेस के उम्मीदवार कितने वोट लिए? 596 वोट लिए हैं, और एक बार इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसा फैसला जो तारीखी फैसला आया उसका इस्तकबाल करना चाहिए लोगों को। हम ये जजमेंट का, ये फैसले का हम वेलकम करते हैं, बहुत ही सही फैसला आया है, ये कांग्रेस की जानिब से स्टेटमेंट आना चाहिए था।
वो कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं थे। सैयदा नूर फातिमा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है उनका, ना जेडीएस से है, ना कांग्रेस से है, ना बीजेपी से है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब जीत कर आता है, जब कोर्ट से अगर ऐसा फैसला आता है, तो इनकी इनका काम नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन या उनके लीडर का काम ये था कि हम ये जो फैसला आया है बिल्कुल सही फैसला है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं, बल्कि करना चाहिए नहीं किए, वो उल्टा वहाँ पर अपील फाइल करते हैं। अपील के अंदर ये करते हैं कि वो फैसला जो लिया गया वो सही है, लेकिन सेकेंड फैसला था वो गलत है, उसका री इलेक्शन कराना चाहिए, बल्कि उनको कंटेंशन था। प्रियंका यानी बीजेपी की उम्मीदवार के जानिब से भी स्टे एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, और एक हिना उरुज के नाम से जो है तो उनके नाम से भी एक स्टे एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। सबसे पहले हिना उरुज का स्टे डिसमिस नहीं देता स्टे हाईकोर्ट ने कहा है कि हम स्टे नहीं देंगे। फिर उसके बाद प्रियंका का स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन सामने आता है, वहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा है कि हम इस वक्त हम नहीं दे सकते स्टे, लेकिन आपको ये गुंजाइश रखेंगे कि रिट अपील जो 5 एमएलसी का वोट इंक्लूड करना था मेयर वोटर लिस्ट के अंदर, वो 5 एमएलसी का जो मैटर जो डिवीजन बेंच में मौजूद है, जब तक वो डिस्पोजल नहीं होता, जब तक उसका जजमेंट नहीं आएगा, जब तक मैं कोई स्टे ऑर्डर नहीं देता, लेकिन मैं आपको फाइनल हियरिंग करूँगा, बोलकर फाइनल हियरिंग होने वाली थी ये मैटर के ऊपर। उस वक्त जो है यहाँ पर ये कांग्रेस की जानिब से फिर एक अप्लीकेशन डालते हैं, आईए डालते हैं, इसके जो वो जो सेकंड कैंडिडेट को डिक्लेयर दिया गया उसके ऊपर हमको स्टे होना है, तो उसके वजह से डिले हो गया, वरना तो 1 महीना पहले डिस्पोज हो रहा था, 1 महीना पहले ख़त्म, केस ही ख़त्म होने वाला, हमारे हक में आने की गुंजाइश ज़्यादा थे। उन्होंने डाल के, उन्हें डालने से भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, डाल सकते हैं, सबको राइट है, फंडामेंटल राइट है, रिट प्रिफेयर कोई भी कर सकता है, मैं क्यों डाले मैं वो नहीं बोल रहा, डालने दो ठीक है डाले। लेकिन जब एक रिजल्ट आया, अब जो बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से जो वीडियो जो चल रहा है उनका कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के जानिब से एक वीडियो आ रहा है कि हमने कुर्बानी दी, हमने सेक्रीफाइस किया है, हमने सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, तो वैसा अगर रहता तो अब इस्तकबाल करना चाहिए था। सेकेंड कैंडिडेट को डिक्लेयर करने से उनका आपको पेट में क्या दर्द हो रहा था, आप स्टे पूछने की क्या ज़रूरत थी, और मैटर सबजुडाइज है, कोर्ट में जेर गौर है ये मैटर, ऐसी सूरत में आप स्टेटमेंट देते हैं कोर्ट में अंदर, मैं कोर्ट में जब मामला होता है तो कोई भी उसकी तनखीद या उसके फेवर में या अगेंस्ट में भी डिस्पोज नहीं हुआ, मैटर अभी पेंडिंग है, आज 2 घंटे आर्गूमेंट हुआ है, दो घंटे आर्गूमेंट हुआ है, उसके अंदर वहाँ पर हम गुफ्तगू किए हैं, वहाँ ने हम अदालत के सामने ये बताया कि भाई यहाँ पर जो स्टे जो पूछा गया था वो स्टे के सर्कमटेंस अलग थे, अब सर्कमटेंस चेंज हुए हैं, अब सर्कमटेंस इसलिए चेंज हुए हैं, सैयदा नूर फातिमा जैदी को 15 फरवरी गजट नोटिफिकेशन में ऑलरेडी पब्लिश किया गया है, लेकिन हम वो बात को हम आज तक नहीं लाए, आज इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि एक आदमी ने वहाँ वीडियो दिया, उसके लिए हमको आज बोलना पड़ रहा है, वो चुप ऐसे ही नहीं आए, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आलमदार जैदी और हम तमाम पूरे एडवोकेट की टीम ने दिन रात मेहनत कर, उनको मेहनत मालूम नहीं होती उनको, वहाँ पर हम इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्टी कमिश्नर को रिप्रेजेंट करते हैं, रीजनल कमिश्नर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर जो है हम रिट पिटीशन फाइल करते हैं हाईकोर्ट के सामने, रिट ऑफ मैंडमस के अंदर डायरेक्शन आता है इलेक्शन कमीशन को, यूडी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को और डिप्टी कमिश्नर को ये डायरेक्शन आता है कि जब तक सैयदा नूर फाती का नाम गजट नोटिफिकेशन में एंट्री नहीं होगा, जब तक कोई इलेक्शन नहीं होगा यहाँ पर, ये फैसला हाईकोर्ट का फैसला देते हैं, उसके बाद जाकर जो है सैयदा नूर फातिमा का नाम जो है गजट नोटिफिकेशन में आता है। गजट नोटिफिकेशन में आने के बाद हमने अदालत में आज बताया कि जब गजट नोटिफिकेशन में नाम आया है तो जजमेंट के ऊपर स्टे नहीं दे सकते, स्टे वो गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज करना होगा, ये हमारा मुतालिबा था, जिसकी वजह से अदालत ने यह फैसला लिया है कि स्टे हम इस वक्त नहीं देंगे, लेकिन फाइनल हियरिंग के लिए 20 तारीख को, इसी महीने की 20 तारीख को रखा गया है, तो वह 20 तारीख के देखेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करेंगे हम कोशिश, बाकी ऊपर वाला का काम है जो करेगा, अगर उसका जो फैसला है तो हमारे खिलाफ आता है तो उसको भी फेस करेंगे, जीते तो खुशी मनाएंगे। तो यहाँ पर मेरा कहने का ये है, एक नेशनल पार्टी का स्पोक्स पर्सन आज जजमेंट होने तक आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, मुझे पता नहीं किस हालत में किस सिचुएशन में वो विड्रॉ किए, डाले क्यों, इलेक्शन के जजमेंट को चैलेंज करके अपील फाइल करते हैं, फाइल करने के बाद उसको विड्रॉ कर रहे हैं, बोलकर मैं ऐसा ये कर रहा हूं, मैं पूरा मेरे वजह से जीत गया है बोलकर। और मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं, कुछ अखबार के अंदर कांग्रेस के साथ सैयदा नूर फातिमा का नाम जोड़ा जा रहा है, कैसा जोड़ते हैं आप, कौन इन्फॉर्मेशन दिया वो न्यूज़पेपरों को, कर्नल न्यूज़पेपर में कौन, किसकी इन्फॉर्मेशन के बुनियाद पर कर्नल न्यूज़पेपर में आया,
तो मैं यहाँ पर यह भी क्लियर करना चाहता हूँ कि सैयदा नूर फातिमा किसी पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह ही रहेंगे, वो डिसाइड करने वाले वो ही हैं, मसर एडवोकेट भी डिसाइड करने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सैयदा नूर फातिमा डिसाइड करेगी कि किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे। किसी के भी साथ जा सकते हैं, जनता दल के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, आप कौन होते हैं बोलने वाले, आप कैसा डिसाइड कर लिया, ऐसा कैसा तसव्वुर कर लिए कि आप ये ऐसा करें बोलकर। तो हमारा ये है कि ये जब भी अगर बयान देते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर बयान देना चाहिए। आधा घंटा बैठकर मैं उनके साथ बात किया हूँ अजमल गुला को, आप जो वीडियो डाले हैं कुछ न्यूज़ में सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पे, वो नहीं डालना चाहिए, वो गलत है, सब्जुडाइज है, नहीं करना चाहिए। उनको मैं समझाया, अभी तक वो वीडियो अभी भी चल रहा है, जानबूझकर मैं बोलने के बाद भी लेने कर। पार्टी पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं, ये पार्टी वो पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हमको हिकमत से भी काम करना है। इमैच्योरिटी लोग पूरे लोगों को लेकर डूबती है। तुम सोच रहे होंगे कि हमारा मेयर बनेगा, किसी का मेयर बनने वाला नहीं, किसी का मेयर बनना है उन्हीं का मेयर बनने वाला है, आप खाली तस्वुर में रहो। तो मैं ये कर रहा हूँ कि हिकमतन आप अंडरस्टैंडिंग पर जब तक नहीं रहेंगे, आपकी गलती की वजह से कोई और मेयर बन जाएगा, आप लोगों के जितने भी बयान दे रहे हैं वो तो तमाम लोगों के मुँह काले हो जाएंगे, उसके ताल्लुक से आपको कोशिश करना चाहिए। सब मिल बैठ के बात करना है, कहाँ बात कर रहे हैं तकब्बुर में, हम सेक्रीफाइस कहीं का सेक्रीफाइस करें, क्या सेक्रीफाइस करें आज तक, 596 वोट लेकर तुम जजमेंट होने के बाद तुम वहाँ पर डालकर निकालकर सेक्रीफाइस की बात करते। सेक्रीफाइस तो बेचारे उनको सैयदा नूर फातिमा को लेकर उनके बारे में ये करना चाहिए, जद्दोजहद करी, कानूनी लड़ाई लड़ रही है, हक की लड़ाई लड़ रही है सैयदा नूर फातिमा, उनके बारे में बोलना चाहिए। वो खेत डालेंगे उनके बारे में बोलते हैं, सैयदा नूर फातिमा ने जद्दोजहद कानूनी लड़ाई लड़कर अदालत के सामने साबित किया है, वहाँ पर यहाँ पर उनकी उम्र यह है बोलकर साबित किया, उनके 27 होने चाहिए हकीकत में। 27 किसकी हो रही है, उंगली काट के लोग शहीदों में नाम कर रहे हैं आप, शर्म आना चाहिए आपको।